हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास वैल्यू ऑफ सीरीज़ की रहेगी, जो कि हम इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि आज हम वैल्यू ऑफ सीरीज़ में, जो आपको एक सीरीज़ दी जाएगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको याद आएगा रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इनफाइनाइट सीरीज़ और फाइनाइट सीरीज़ दोनों पढ़ी थी हमने, अनंत तक और एक लिमिटेड सीमित सीरीज़। तो उनकी हमने जो बात करी थी उस दिन, हमने सिंपल क्वेश्चनों की बात करी थी। मैंने कहा था कि आज हम इसके सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन डीप की एक नॉलेज जो है, डीप क्लास एक और लेंगे इसकी, और आज वही हम डीप क्लास ले रहे हैं सीरीज़ की। तो सीरीज़ में आज हम बड़ी बड़ी जो ऐसे क्वेश्चन जिनके फैक्टर नहीं काटे जा सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर नहीं कट सकते हैं, उनकी बात करेंगे, और मिक्स सीरीज़ की बात करेंगे, प्लस और माइनस वाले की। वो आपको पता चल जाएगा हम कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। तो आप ध्यान बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके, बहुत ही एक्टिव हो करके अपना पेन कॉपी लेकर के बैठें, सारी चीज़ें लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएं। आपको समझ में आएगी पूरी क्लास, बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत कुछ नया मिलने वाला है आपको आज। और वो क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उनका कलेक्शन है मेरे पास। ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और इनका हमें जो है डेरिवेशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें बताते हुए फिर उनके शॉर्टकट्स तक पहुँचेंगे, है ना। तो देखो, सीरीज़ में जैसे मैंने उस दिन आपसे बात करी थी, उनका जो बेस ये था कि अगर a प्लस की सीरीज़ है और इनफाइनाइट तक जाती है, तो इस सीरीज़ का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होता है। लेकिन आप कहेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, ये भी पता होने चाहिए हमें। ऐसे ही हम अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए की सीरीज़ की बात करें, तो ये भी क्या होगा, 4a प्लस 1 रूट में माइनस 1 अपॉन 2। याद रहे एक बात कि ये दोनों फॉर्मूले, हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये दोनों फॉर्मूले इक्वेशन से आते हैं, समीकरण से आते हैं। कौन सा समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है, द्विघात समीकरण। इन दोनों फॉर्मूले के आने के लिए जो डेरिवेशन की थोड़ी झलक हुई मैं आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे कि कहां से आया ये फॉर्मूला। तो आप इसे नोट कर लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आता है, क्योंकि हमें डिटेल पता होगी तभी हम अगले टफ क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। लिख लिया होगा शायद आपने, चलिए एक को देख ले रहे हैं। मैंने उस दिन एक क्वेश्चन दिया था और उसका पूरा प्रोसेस बताया था, उसी प्रोसेस को हम यहां लगाएंगे। जैसे कि आपको सीरीज दी गई है, ये ए प्लस ए प्लस ए, और मैंने इस सीरीज को वाई मान लिया या एक्स मान लिया या एक्स मान लिया, दोनों तरफ आप ये देखिए कि ये जो टर्म है इसके बाद रिपीट टर्म हो रहा है, तो ये जो सीरीज़ है ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो आप इस कंडीशन में भी यहाँ इसकी वैल्यू रख सकते हैं x, और इधर x है ये ऑलरेडी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, a प्लस एक्स रह जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर जीरो। ये कंडीशन आपकी बनी, ये द्विघात समीकरण बना, ये कौन सा कौन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि हमें ये पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले बनाए कहाँ से हैं, हम रटना नहीं, हम इसमें आपको जब जड़ पता होगी किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉन्सेप्ट का, ये पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसे रटने की। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी, इसका मतलब बी कहाँ होता है, एक्स के आगे वाला जो कॉफिशेंट होता है, तो माइनस वन है वहाँ, तो माइनस वन होने की वजह से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर मतलब वन होगा। ए सी, ये आगे इसके जो होता है ये सी वाला पोर्शन है, तो ये माइनस का है ऑलरेडी, तो और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ है, तो ये प्लस बना देगा, सी की वैल्यू ए है,
और इस ए को आप इसके सामने आता है वो वैल्यू है अपॉन टू इंटू ए। हमने देखा वन प्लस रूट फोर ए प्लस वन अपॉन टू, देखना आप क्या यही फॉर्मूला यहाँ से आया है। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसका प्रोसेस ये है, और ये फॉर्मूला आज मैं इसको डीप लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा बता के चल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, है ना। ये जो पूरा ऐसी सीरीज अगर आएगी उसका इसकी जो वैल्यू है ये आएगी, किसी भी क्वेश्चन में आप रखेंगे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, चाहे उसके फैक्टर कटें या ना कटें, फिर भी हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, आपको प्रोसेस बताया है कि इसको आप इक्वेशन मान के एक्स मान के उसकी इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तब जाके उस एक्स की वैल्यू आएगी वन प्लस फोर ए प्लस वन अपॉन टू। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम माइनस के लिए बन जाएगा, तो इसलिए माइनस का भी फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन एग्जाम में करते समय ये सारे फॉर्मूले हमें ध्यान में, ये सारी प्रोसेस जो हमें याद नहीं रखनी, क्योंकि इसका इतना लंबा आप करेंगे तो आप एग्जाम में टाइम नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए ये तो आपको समझाने के लिए था ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से। अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ है। अच्छा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। सीरीज अगर माइनस की है तो मैं बता चुका हूँ, सीरीज अगर माइनस की है तो फॉर्मूला है 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस का है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर हम इन दोनों में रिलेशन बनाएं, अगर ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, अगर मैं इसे x नाम दूं और इसे y नाम दूं, कई बार इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो 1 होता है, याद रहे। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये 1 होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा, घटा लो आप सारी चीज़ें। देखो मैथमेटिक्स में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, आप इनमें मान नहीं सकते कहाँ से आया, ये सब हमारे आंसर होंगे। अब देखो यहाँ से अंडर रूट 4a प्लस 1 है, प्लस 1 अपॉन 2 है, माइनस किया, माइनस यहाँ जब माइनस होगा तो जब इसको घटाओगे, इस वाली संख्या को घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये प्लस का हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, समझ रहे होंगे आप, अपॉन 2। इंडिविजुअल में अगर दो का इधर दे दूंगा, दो का इधर दे दूंगा, तो देखो पूरा दिखा देता हूँ, 4a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि दो का इंडिविजुअल भाग दे दिया, ये 4a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ये कट गया, तो हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखनी है ये बात, x माइनस वाई की वैल्यू 1 होती है। तो आपने ये समझ लिया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं था ज़्यादा खास, हमने बस ये बताया है कि ऐसा क्यों होता है, 1 कैसे आता है। तो घटाएंगे तो आप अपने आप 1 आ ही जाएगा, और ये तो हमें यहीं से पता चल जाना चाहिए था कि ये दोनों सेम है और ये प्लस माइनस है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो माइनस से ये कट जाएगा और पीछे का 1 बच जाएगा। तो अब आप ये चीज़ तो सीख गए हैं, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, हमें बस इतना याद रखना है कि प्लस की सीरीज होगी तो ये फॉर्मूला है रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, है ना, और माइनस की सीरीज होगी तो रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे बड़ी आसानी से। अच्छा, अब उस दिन जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम फैक्टर से क्वेश्चन कर रहे थे, जिनके फैक्टर ऐसे कट जाएं जिनके बीच में गैप एक का हो, या लगातार फैक्टर कट रहे हैं, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 19 × 20, इस टाइप के अगर फैक्टर कटते हैं तो बड़ी संख्या आंसर होगी प्लस की सीरीज में, छोटी संख्या आंसर होगी माइनस की सीरीज में। ये चीज़ें हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उनको आज भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि क्या डिफरेंस आएगा, कई बार क्वेश्चन कैसे टफ टफ बनेंगे और आप उनको कैसे फंस जाएंगे, तो उनको कैसे कर, इन तरीकों से कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये चीज़ आप सीख गए होंगे या आपने लिख भी ली होगी। अब जैसे मैं एक कोई क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, मान लो छोटा सा लेते हैं, क्वेश्चन लिया मैंने अंडर रूट 6, हालांकि हम ले चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, रूट सिक्स, ये पहले अलग अलग रूट है भाई, और ये इनफाइनाइट है,
अभी मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आया कि भाई हमें बताया गया था 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये इस सीरीज़ की वैल्यू है। अब 4a का मान ये अंदर जो है 6 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 प्लस 1 अपॉन 2, 25 से जो बाहर आएगा तो 5 आएगा क्योंकि रूट लिया जा सकता है 25 का, प्लस 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 3। आपने देखा ये 3 आंसर आया, फॉर्मूले से आया, और फॉर्मूला कहाँ से आया, श्रीधराचार्य से इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आया, जो कि मैंने पहले प्रोसेस बताया था। तो और एक तरीका ये बताया था कि इन दोनों इस 6 के ऐसे फैक्टर काटो जो लगातार 2×3 फैक्टर कट गए, और सीरीज कैसी है, पॉजिटिव, तो बड़ी संख्या आंसर होती है, एक तरीका हमने ये बताया था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके फैक्टर कट रहे हैं, अगर इसके फैक्टर नहीं कटते तो आपको यही तरीका लगाना होता। मैंने आपको इसलिए ये बताया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं जिनके फैक्टर नहीं कटते हैं, तो उनके लिए हम इस फॉर्मूला को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे ये आपके समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला काम कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इस टाइप से, 17, 17, 17, 17, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन जिसके फैक्टर नहीं कटते, कैट में पूछा गया था, एसएससी में भी पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसके फैक्टर तो कट नहीं रहे, फटाक से तो आंसर नहीं लगा सकते, लेकिन अब फॉर्मूला तो जानते हैं, 4 17 है ये, 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। अब 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 चौक 68, 69 रूट में प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको ऑप्शन में होगा हर हाल में। अगर ऑप्शन में पॉइंट में दिया गया हो तो अप्रोक्सीमेट पहुंच सकते हैं आप। ये 44 मान कर गए अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 मान करके 8 हो जाएगा, और 8 और 1 9, 9 बटे 2, 4.5 के आसपास आंसर आएगा। पॉइंट में भी ला सकते हैं लगभग में, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इस टाइप का ऑप्शन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था और इसी टाइप का ऑप्शन दिया गया था। तो आपने ये क्वेश्चन भी इजीली कर लिया, जिसके हम फैक्टर नहीं काट पा रहे थे उनको हम इस फॉर्मूले से टैकल करेंगे। अब कुछ माइनस वाले देखेंगे, फिर मिक्स वाले देखेंगे। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, और फिर माइनस का देखेंगे, फिर मिक्स, और फिर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। ये तब के लिए है जब आपके फैक्टर नहीं कट रहे हैं, तो ये लिमिटेड नहीं है। आप जब आपको एक ही तरीका आता है कि फैक्टर कट रहे हैं तो बड़ी संख्या आंसर, छोटी संख्या आंसर, वो उसमें क्या है ना, आप लिमिटेड हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन फैक्टर न कटने वाला मिलेगा तो कैसे करेंगे, तो उन सब मतलब हम सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके लेकर चल रहे हैं कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो अगर माइनस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13, ऐसे करके आएगा, तो आपको बताना आंसर। अब 13 के फैक्टर तो नहीं कटेंगे तो क्या हुआ, हमें फॉर्मूला पता है, 4a प्लस 1 अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो 4 13 हो जाएगा ना, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, 13 चौक 52 और 1 53, 53 माइनस 1 अपॉन 2, यही आंसर होगा, यही ऑप्शन मिलेगा। नोट कर लें फटाफट से, स्क्रीनशॉट लें। देखिए इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उसको देख लेते हैं, और बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन था कि कोई भी नंबर ले रहे हैं, पैटर्न पता होना चाहिए हमें। उसने कहा था कि ये एक सीरीज है जिसकी वैल्यू ए है, और एक सीरीज इसी की माइनस वाली है,
हिंदी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और दोनों सीरीज में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। फिर रिलेशन बताया गया है उसने कि ए प्लस बी प्लस वन अपॉइंट बराबर जीरो, ए माइनस बी माइनस वन बराबर जीरो, ए प्लस बी बराबर माइनस वन, और ए माइनस बी बराबर प्लस वन, ए माइनस बी बराबर माइनस वन। आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है। अब ये चीज़ हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर आपके पास प्लस की और माइनस की दो सीरीज है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो वन के बराबर होता है। कहने का मतलब हमारे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो a माइनस बी बराबर वन होना चाहिए। अब a माइनस बी बराबर वन होना चाहिए तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस वन बराबर जीरो है, तो आपको माइनस वाला चाहिए। तो a माइनस बी, अब देखो इसी को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो a माइनस बी, और इसे इधर ले आऊँगा तो माइनस वन बराबर जीरो। तो मेरा जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, कोई भी एफर्ट नहीं लगाए, क्योंकि हमें पता था कि प्लस और माइनस की सीरीज़ का डिफरेंस वन होता है, और उसके आधार पर हमें कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और हमने ईजिली इसे हिट कर लिया। आप नोट कर लें इसे, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी का, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको करने में। नोट कर लें पहले इसको, स्क्रीन शॉट ले लें, ले लिया होगा आप, फटाफट से स्क्रीन शॉट लिया करो, मैं इसीलिए बोर्ड पे के सामने से हट जाता हूँ। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूरा प्रॉपर लिखूंगा, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए। पी प्लस, क्वेश्चन था पी स्क्वायर पी की पावर फोर पी की पावर एट पी की पावर 16 इनफाइनाइट। पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए गए थे रूट फाइव प्लस टू अपॉन टू, ऑप्शन बी, हाँ इसके साथ पी और लेता है, ऑप्शन बी है पी थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, सी ऑप्शन है आपका पी अपॉन रूट फाइव प्लस थ्री, और डी ऑप्शन है नन, या फिर कोई और ऑप्शन दे दो ऐसे ही। क्या है ऑप्शन, रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू, ये आपके चार ऑप्शन है और एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है। अब आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, करके देखें, कोशिश करें, सभी क्वेश्चन को करके देखा करो, लॉजिक लगाओ। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। हमारे पास कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, कोई सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, तो ना तो प्लस की हो रही है ना माइनस की हो रही है, क्योंकि उसमें तो एक ही नंबर बार बार आता है, इसमें नंबर बार बार चेंज हो रहा है, या पी है या पी स्क्वायर है या पी फोर है या पी एट है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो ये है कि पी की वैल्यू अगर हम वन पुट करें यहाँ पर तो हमें सीरीज क्या मिलेगी, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस इन्फाइनाइट, यही सीरीज मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि पी का स्क्वायर करेंगे तो भी वन, वन का स्क्वायर वन, पी का फोर वन का फोर तो वन, तो किसी भी वैल्यू में अगर पी की वैल्यू वन रखूंगा तो उसका मान वन ही मिलेगा, तो मुझे ये सीरीज मिल गई यहाँ पर। अब हमें इतना पता है कि यहाँ तक तो वन है, इसके बाद ये सीरीज बन चुकी है जो हम अभी तक करते आ रहे थे, वही सीरीज है। ये सीरीज ऐसी है इसके फैक्टर नहीं कट सकते, लगातार फैक्टर करते तो हम पता कर देते कि बड़ी संख्या आंसर होगी, तो हमें फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा जो हमें पता है, कौन सा, रूट फोर ए प्लस वन अपॉन टू वाला। तो लगाइए, आगे चले, वन प्लस फोर ए, फोर ए का मतलब वन ही है, तो रूट फोर, फोर ए से फोर मिलेगा और वन प्लस में चल रहा है और यहाँ वन प्लस में चल रहा है, समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको थोड़ा सा, यहाँ स्पेस नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कहाँ लेते, चलो इधर देख लेते, इधर देखो इसका आधा पोर्शन, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वन प्लस रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू तक,
यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इधर क्या चल रहा है? वन। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये वन है ही। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे p, अब ये देखो ये यहां से आ रहा है, दो का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये रूट फाइव है प्लस वन है अपॉन टू। दो और एक कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तो रूट फाइव प्लस तीन अपॉन दो अपॉन टू, सही है ना? तो यहां तक तो आपके समझ में आ रहा होगा आप आसानी से। रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन टू तक आप आ चुके हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है तुम्हारे हिसाब से। अब हम बात करेंगे ऑप्शन से मैच करने की। तो हमारा ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ रूट फाइव प्लस टू अपॉन टू है, ये नहीं हो सकता। ये देखो रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन टू यहाँ तक तो मैच कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, पी की वैल्यू हमारे पास वन थी, तो यहाँ वन फुल पुट कर देंगे अगर वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? पी की जगह पे वन रखने पर हमें थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू ही मिलेगा, और ये मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपके? मैं एक बार और समझा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। नोट करें, स्क्रीनशॉट। चलिए, ये आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूँगा, मेरा मन कर रहा है आपको दोबारा से इसे बताने का, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार और देख लो इसको। देखो क्या करना है, p की वैल्यू वन पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से वन हमें सीरीज, इजी सीरीज बन जाएगी। हमें पता है वन प्लस है, ये वाली सीरीज पुरानी सीरीज में से है, एक ही नंबर अंडर रूट में है, इनफाइनाइट तक है। इसके फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हम उस तरीके से नहीं कर सकते कि बड़ी संख्या आंसर छोटी संख्या आंसर वाले से। क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड सीरीज बन गई, तो अब क्या करना होगा हमें, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 4a प्लस 1 अपॉन 2 वाला। लगाए 1 प्लस अंडर रूट 4 तो है ही, और a की वैल्यू कितनी है, एक दिख रही है, तो ये मल्टीप्लाई भी मत करो, पता है हमें, प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 5 अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, ये प्लस बेटा यहाँ, ठीक है, ये फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, दो एकन दो, और एक पहले से यहाँ है, तो रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन टू वैल्यू निकल के आ रही है। और ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं वो ये हैं, क्या क्या है, पी रूट फाइव प्लस टू अपॉन टू, पी रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन टू, और है एक पी अपॉन रूट फाइव प्लस थ्री, और जो भी है पी अपॉन पी स्क्वायर रूट फाइव प्लस थ्री, जो भी है, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैच करना है आपको कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। अब एक या तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लो या उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, वन इन टू रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन टू, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर यहाँ देख लो इसको, या फिर वहां पर p की वैल्यू 1 रख दो, जिसमें जिससे मैच कर जाए वही आंसर होगा। यहाँ p की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 वाला कंडीशन है, इसलिए वहाँ 3 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ p की वैल्यू 1 रखते ही हमें क्या मिल जाएगा, रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन टू मिल जाएगा, ये आंसर है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, b वाला आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, ये आप सीख चुके हैं। इसमें कुछ सीरीज और हैं एक दो, लेकिन आप इसी तरीके से कर पाएंगे उन्हें ज़्यादा। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की वैल्यू निकालना सीख लिया है। कितनी भी टफ सीरीज हो, प्लस की हो माइनस की हो, फैक्टर कटें या ना कटें, प्लस मिक्स सीरीज हो, चाहे प्लस और माइनस दोनों की सीरीज की वैल्यू पूछ रहा हो, तो आप सब टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका मतलब सीरीज में आप परफेक्ट हो चुके हैं, इस क्लास से और इससे पहले वाली क्लास दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और बचा है सीरीज का, मैं अगली क्लास में ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, आप मेहनत करें, घर जाकर, घर बैठे ही हैं आप, जाएंगे कहाँ, और आप मेहनत करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं,
प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं तो कहूँगा कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन उनको टारगेट करें, उन्हीं क्वेश्चन को टच करें, उससे हमें एक्चुअलिटी पता चलती है कि वास्तव में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारे मेथड से इन मेथड्स का यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ उतना ही तेज़ी से चलेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम जो है सेव भी होगा। तो ऐसा काम आप करते रहिए, मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करने की कोशिश करो। और लास्ट में यही कहूँगा, आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकें, और बेल आइकन को जो है प्रेस करें जिससे आपको नए